A very good afternoon to all of you. Myself, Dr. Ambika Bhatt. Today we will study Leibniz theorem, statement of Leibniz theorem and some examples. I am not going to prove the theorem in this video. I am just giving the statement and solving some examples on this theorem. If any student wants the proof of Leibniz theorem, I will provide it in other video. So basically, what is Leibniz theorem? Basically, this theorem expresses the nth derivative of product of two functions in terms of successive differentiation of the function. So होता क्या है कि जैसे हमारे पास कोई भी दो function होंगे, अगर हम उसका क्या करेंगे, उसका जो nth derivative को ये way है उसको express करने का, किस किन terms में successive differentiation of the functions के terms में. तो स्टेटमेंट इसमें क्या है, लेबनीज़ थ्योरम की स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास क्या होगा, यू और वी दो फंक्शंस होंगे, किसके, एक्स के, और उनमें क्या होगा, nth ऑर्डर डेरिवेटिव वो पोजेस करेंगे, तब हमारे पास क्या फॉर्मूला है, यू वी एन इज इक्वल टू एन सी नॉट यू एन वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू प्लस एन सी आर यू एन माइनस आर वी आर प्लस एन सी एन यू इंटू वी एन. सो मीन्स ये जो हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सक्सेसिव डिफ्रेंसीशन की टर्म्स में, ये अप टू एन टर्म्स तक के लिए. सो नोट दैट यू आर, दिस यू आर इज बेसिकली डिनोट्स द आरथ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ यू. सिमिलरली दिस एन सी आर डिनोट्स द कम्बिनेशन. तो कम्बिनेशन हमने बहुत पहले भी पढ़ा है, तो कम्बिनेशन नंबर ऑफ कम्बिनेशंस आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम. तो ये जो कम्बिनेशन होता है एन सी आर, ये उसका सिंबल होता है, लिखने का तरीका है, और ये फॉर्मूला इसका किसके इक्वल होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल. हमें क्या करना है कि इस थ्योरम में हमने क्या देखना है कि जहाँ जहाँ पे ये कम्बिनेशंस लगे हैं, जब हम क्वेश्चंस में ये चीज़ वैल्यूज़ निकालेंगे, तो उस टाइम हमें ये सारी कम्बिनेशंस की वैल्यूज़ निकालनी है. सो जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पे बताया हुआ है कि जैसे एन सी नॉट है वो किसके इक्वल होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आर की जगह पे क्या है, ज़ीरो है, तो हमने यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया एंड देन ज़ीरो फैक्टोरियल. अब हमें पता है ज़ीरो फैक्टोरियल जो होता है वो वन के इक्वल होता है, तो यहाँ से हमारे पास ये दो टर्म्स आई और ये कैंसिल होकर हमारे पास वन आया. सो नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन. सो राइट डाउन, फर्स्ट फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ x. तो ये बहुत इजी है इसको सॉल्व करना, जस्ट मैं आप लोगों को थोड़ा बता रही हूँ किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो हम कैसे करेंगे, हियर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स. तो हमने क्या करना है, एक टर्म को, क्योंकि हमें पता है जो ये लेबनीज़ थ्योरम है ये यूज़ होता है फॉर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के लिए, तो हम एक को वी मानेंगे और एक को क्या मानेंगे, यू मानेंगे. चाहे आप इसको यू मानिए, चाहे आप इसको वी मानें. तो मैं लिख रही हूँ v इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एंड u इज इक्वल टू लॉग एक्स. तो अब हमें करना क्या है, बेसिकली हमें इसकी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन निकालनी है, कहाँ तक, n टर्म्स तक. तो हम क्या करेंगे, पहले इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे. सो मैंने लिखा है डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x. तो जब हम इसको x से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन होती है 2x. सिमिलरली जब हम इसकी डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो u1 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाई x, क्योंकि लॉग x की जो डिफरेंशिएशन होती है वो होती है 1 बाई x. अगेन अगर हमें अब हमें इसकी अगेन डिफरेंशिएशन करनी है, तो जब हम इसकी अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो v2 किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा 2 के इक्वल आएगा. सिमिलरली जो u2 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास माइनस 1 बाई x स्क्वायर. इसी तरीके से हमने क्या निकालना है, v3 निकालना, और v3 किसके इक्वल आ जाएगा, 0. और जो हमारा इसी तरीके से जो vn होगा वो टर्म भी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि इसके आगे जितनी भी टर्म्स है वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, 0. तो यहाँ से जो हमारा u3 होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब. और हमारा जो nth डेरिवेटिव होगा इसका, हमने लास्ट टाइम स्टैंडर्ड्स फंक्शंस में एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन होगा, अगर y हमारे पास कैसा होगा, log ऑफ ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होगा, तब जो उसका nth डेरिवेटिव होता है वो किस तरीके से हम लिखते हैं, उसका लिखते हैं वैल्यू माइनस n रेजिंग माइनस 1 रेजिंग पावर n माइनस 1 एन माइनस 1 का फैक्टोरियल ए रेज पावर n डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी होल रेज पावर n एंड x इज ग्रेटर देन माइनस b बाई
ए, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे nth डेरिवेटिव में जो हमें वैल्यू निकालनी है इस यू एन की, तो यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ए यहाँ पे 1 है और बी हमारे पास 0 है, सो हम लिख देना है माइनस 1 रेजिंग पावर n माइनस 1, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और वो वाली टर्म हमारे पास 1 ही आएगी और नीचे आ जाएगा x रेज पावर n। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर लेबनीज थ्योरम अप्लाई करनी है। तो हम लिखेंगे नाउ बाय लेबनीज थ्योरम वी हैव, व्हाट वी हैव, लिखेंगे बाय लेबनीज थ्योरम, लेबनीज थ्योरम वी हैव, क्या होता है हमारे पास जो उसकी डेफिनेशन या हम बोलेंगे जो हमारे थ्योरम का स्टेटमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है यू वी एन, दिस इज इक्वल टू एन सी नॉट यू एन वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू सो ऑन अप टू एन सी एन यू इंटू वी एन। सो ये हमारे पास आ गई लेबनीज थ्योरम की स्टेटमेंट। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे वही चीज़ें अप्लाई करनी। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज वाई एन इज इक्वल टू यू वी एन एंड दिस इज इक्वल टू एन सी नॉट। अब एन सी नॉट की जगह पे मैं सीधा इसको लिख सकती हूँ, पहले चलो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगी। अब जो हमारा यू एन है, यू एन क्या है हमारे पास, ये वाली टर्म, ये पूरी होल टर्म जो अभी हमने निकाली, तो हमने ये सब शूट करनी है। हमने लिखा माइनस दिस माइनस वन रेजिंग पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स रेज पावर एन, साथ में क्या है वी, और वी क्या है यहाँ से हमें देखा एक्स स्क्वेयर, तो हम क्या करेंगे इंटू एक्स स्क्वेयर। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म लिखेंगे एन सी वन यू एन माइनस वन। अब अगर ये यू एन था तो अगली जो टर्म होगी उसमें हमें क्या होगा, एक टर्म नीचे हो जाएगी, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी माइनस वन रेजिंग पावर एन माइनस वन इंटू, अगर अब ये एन माइनस वन था तो ये हमारे पास अब क्या हो जाएगा एन माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक्स रेज पावर, ये एन था तो एक टर्म और कम एन माइनस वन, और साथ में हमारे पास क्या है वी वन। अब वी वन क्या है यहाँ से टू एक्स, तो हम क्या लिखेंगे इसके साथ इंटू टू एक्स। इसी तरीके से जो हमारी थर्ड टर्म आएगी वो क्या हो जाएगी एन सी टू, साथ में होगा माइनस वन बाय, अब यहाँ पे ये एन माइनस वन था, सॉरी यहाँ पे ये एन माइनस टू है बेसिकली। इसी तरीके से जो हमारी अगली टर्म हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी n माइनस थ्री हो जाएगी, साथ में ये टर्म आ जाएगा हमारे पास n माइनस थ्री फैक्टोरियल इन डिवाइडेड बाई एक्स रेज पावर n माइनस टू, और अब आगे क्या है वी टू, वी टू की जगह पे क्या है हमारे पास टू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटू टू। अब जो इसके आगे वाली टर्म है उसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम ज़ीरो है तो जो उसके साथ जितनी भी आगे वाली टर्म हो जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी। सो उसको लिखने की हमें कोई नीड नहीं है। तो अब हम इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, सो वाई एन इज इक्वल टू यू वी एन, दिस इज इक्वल टू एन सी नॉट, तो एन सी नॉट है दिस मीन्स कॉम्बिनेशन है, तो उसको ओपन करेंगे तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस जीरो और फैक्टोरियल इंटू जीरो फैक्टोरियल, साथ में माइनस वन रेजिंग पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स रेज पावर एन। सिमिलरली आगे लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू वन फैक्टोरियल, साथ में माइनस वन रेजिंग पावर एन माइनस टू, एन माइनस टू का फैक्टोरियल इंटू टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स रेज पावर एन माइनस वन प्लस n फैक्टोरियल n माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल माइनस वन रेजिंग पावर n माइनस थ्री, साथ में आपके पास आ जाएगा आपके पास यहाँ पे अगली टर्म जो आपके पास आ जाएगी दैट इज n माइनस थ्री का फैक्टोरियल इंटू टू डिवाइडेड बाय x रेज पावर n माइनस टू। सो ये हमारे पास टर्म आ गई। अब हम इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे। सो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हम इसमें ऐसे लिखेंगे नाउ वी हैव, क्या आएगा हमारे पास यहाँ से मैं लिख देती हूँ। सो दिस इज़ इक्वल टू, हमारे पास ये लाइन में एक बार फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ सो दैट आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ें समझने वाली है। सो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस ज़ीरो फैक्टोरियल इंटू ज़ीरो फैक्टोरियल माइनस वन रेजिंग पावर एन माइनस वन
minus 1 raising power n minus 1, then n minus 1 ka factorial divided by x raised power n into x square, yehi terms humne likhi hui thi, plus n factorial divided by n minus 1 into 1 factorial, साथ में आया minus 1 raising power n minus 2, n minus, next is 2 factorial divided by x raised power n minus 1 into 2x, and third quantity थी हमारे पास n factorial divided by n minus 2 into 2 factorial minus 1 raising power n minus 3 into n minus 3 factorial divided by x raised power n minus 2 into 2. तो ये हमारे पास इक्वेशन थी. अब हमने इसको कैसे करना है, अब इसको जस्ट थोड़ा सा सॉल्व करना है. तो ये बहुत सिंपल है और बहुत इजी है. तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे इसको, ये देखिए हम इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे सो दिस इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल. तो ये आ जाएगा हमारे पास एन फैक्टोरियल, नीचे से यहाँ पे वैल्यू जो डिनोमिनेटर है वो भी एन फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल वन होता है. तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. साथ में आ जाएगा प्लस दिस टर्म, साथ में ये टर्म्स मैं लिख देती हूँ. और ये एक्स स्क्वायर अगर ऊपर है, मैं इसको अगर नीचे ले लूँ तो ये नीचे इसके साथ आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको नीचे लूँगी तो ये क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर पे, एक्स रेज पावर माइनस टू. तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड. तो मैंने इस चीज़ को ऐसे लिख दिया है, ठीक है. सो एन माइनस वन का फैक्टोरियल. इसी तरीके से अगली टर्म में मैं लिख सकती हूँ एन फैक्टोरियल. अब जैसे एन माइनस वन फैक्टोरियल था, तो एन फैक्टोरियल को कैसे हम उसको आगे ब्रेक करेंगे, तो ये होता है एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस फैक्टोरियल. एंड वन फैक्टोरियल तो वन फैक्टोरियल ही होता है, वो वन ही होता है, तो उसको लिख कहने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो दिस टर्म, साथ में आ गया हमारे पास एन माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सेम, यहाँ पे एक्स है अगर और यहाँ पे टू आता है, ये जो एक्स खाली है उसको मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया. तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिट हो जाएगा, तो ये माइनस वन हो जाएगा. तो ये भी कितना बन जाएगा, माइनस टू बन जाएगा. इसी तरीके से जो मेरी थर्ड टर्म थी, थर्ड टर्म को मैं कैसे लिखूंगी, एन फैक्टोरियल को अब ब्रेक करूंगी मैं एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल. इसी तरीके से यहाँ पे आएगा, नीचे के पास है एन माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल. साथ में है अगली टर्म माइनस वन रेजिंग पावर एन माइनस थ्री, एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल इंटू टू डिवाइडेड बाई एक्स रेज पावर एन माइनस टू. सो ये बहुत सिंपल है. अब देखिए यहाँ से ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास n बाई एन माइनस टू फैक्टोरियल और ये कैंसिल होगा, टू भी कैंसिल होगा टू के साथ, जो जो पीछे टर्म्स बच गई वही हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा. तो हमारे पास टर्म में जो आंसर होगा वो क्या क्या होगा, ये आएगा हमारे पास माइनस वन रेजिंग पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स रेज पावर एन माइनस टू, प्लस एन टाइम्स माइनस वन रेजिंग पावर एन माइनस टू का फैक्टोरियल इंटू टू डिवाइडेड बाई एक्स रेज पावर एन माइनस टू. सिमिलरली अगली टर्म हमारे पास आएगी दिस टर्म, एंड माइनस वन रेजिंग पावर एन माइनस थ्री, और ये अंदर आएगा एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल, एंड डिनोमिनेटर में होगा एक्स रेज पावर एन माइनस टू. सो आप क्या करेंगे, इसमें जो जो कॉमन है उनको कॉमन ले लेंगे. जैसे कि हमारे पास क्या क्या कॉमन आ जाएगा, तो ये जो हम जब कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा. एक्स माइनस टू कॉमन आएगा, ऊपर से हम क्या निकाल सकते हैं कॉमन, एन फैक्टोरियल को भी कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि एन फैक्टोरियल के बाद ही हमारी एन माइनस वन एन माइनस टू ये सारी चीज़ें आती हैं. तो यहाँ से हमारे पास जो टर्म्स बनेगी वो अंदर बन जाएगी वन माइनस एन, टू टाइम्स एन माइनस वन, टू टाइम टू डिवाइडेड बाई एन माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस टू. सो दिस इज द आंसर, हेंस प्रूव्ड. थैंक यू.